नमस्कार, आपका स्वागत है झंडा जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आतंकी हमलों के मद्देनजर ड्रोन कैमरे पर लगी मुंबई में पाबंदी। पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मुंबई पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि शहर के अहम ठिकानों पर आतंकी ड्रोन, रिमोट से चलने वाली मिसाइल या पैराग्लाइडर्स के सहारे हमला कर सकते हैं। इसलिए मुंबई में ड्रोन, रिमोट से चलने वाले विमानों और पैराग्लाइडिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मराठवाड़ा में भारी बारिश से 12 की मौत। उस्मानाबाद में फसलों का नुकसान। मराठवाड़ा में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश के कारण करीब 183 पशुओं की मौत हुई है, जबकि 12 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उस्मानाबाद 4 साल से सूखे से जूझ रहे नागरिकों को जहां बारिश ने राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ खेतों में पानी भर जाने के कारण किसान एक बार फिर आर्थिक संकटों से घिर गया है। जिले में बारिश से 3.5 एकड़ में लगी खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है। ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री आमदार छकर गुडवेल के समर्थन में निकाला गया मूक मोर्चा। उचित कार्रवाई करने के साथ ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का न पहुंचाते हुए मराठा व अन्य समाज को आरक्षण देने की मांग मेमोरेंडम में की। बियर शॉप का लाइसेंस रद्द करने के लिए महिलाओं का अनशन। स्थानीय महिलाओं के विरोध के पश्चात ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव कर नए शराब बिक्री दुकानों को लाइसेंस न देने का आश्वासन दिया था। ऐसा होने के बावजूद भी उपज शुल्क विभाग ने इस दुकान को लाइसेंस दिया है, जिसके निषेधार्थ महिला योग समिति की उषा चौधरी ने 2 अक्टूबर से तहसील कार्यालय के सामने अनशन प्रारंभ किया। राज पर भड़के रानी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा जातिगत आधार पर आरक्षण दिए जाने का विरोध किए जाने पर राणे ने नाराजगी जताई। कहा, राज ठाकरे से मराठा आरक्षण के लिए समर्थन की हम अपेक्षा भी नहीं रखते। लगातार और जोरदार बारिश ने पूरे जिले को कर दिया जलथल। पीर को हुई जबरदस्त बारिश से मालेगांव शहर समेत जिला भर में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। जमीतुल्लाह हिंद ने कहा कि मुसलमानों को हर हाल में रिजर्वेशन दिया जाए। रियासत भर में 18 अक्टूबर से एहतजाज का फैसला। तैयारियों के सिलसिले में जमीतुल उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी का दौरा। मालेगांव शहर की मालेगांव हाई स्कूल में हुआ एमएलए फंड से जिम खाने का इफ्तिताह। मालेगांव स्कूल में एमएलए फंड से जिम खाने का उद्घाटन। सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग की निशानी होती है, और जब सेहतमंद दिमाग होगा तो समाज भी सेहतमंद होगा। इसी तरह का ख्याल जाहिर करते हुए मालेगांव मध्य क्षेत्र के आमदार आसिफ शेख ने आगे कहा कि शहर के दूसरे तालीमी संस्थाओं में भी इसी तरह का काम अंजाम दिया जाएगा। मेरी कोशिश यही रहा करती है कि मैं बुनियादी तौर पर तालीमी व तामीरी काम को अंजाम देता रहूं। इस कंपटीशन के दौर में हमारे स्टूडेंट भी हर जगह कामयाब रहे। इस उद्घाटन समारोह में मालेगांव हाई स्कूल के चेयरमैन इसहाक सेठ जरवाला ने कहा, मैंने आसिफ शेख में अवामी हमदर्दी को बहुत पहले ही भाप लिया था और वो काम भी करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इसके पहले भी स्कूल में आसिफ शेख ने कंप्यूटर दिया था, जिस पर हमारे स्कूल के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और मालेगांव स्कूल में जिम खाना बनाने के लिए फंड देने पर एमएलए का शुक्रिया अदा किया। डेंगू की लपेट में जलगांव और धुलिया। जानलेवा बीमारी डेंगू जलगांव शहर में अपने पैर फैला चुकी है, मगर सरकारी लेवल पर कोई भी इस बात को मान का इनकार कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मगर हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट चौंकाने वाली आ रही है। डेंगू के मरीज यहां दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीमारी से गए महीने में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक महिला, एक बच्चा और एक जवान शामिल थे। इधर धुलिया शहर में भी कुछ माह से सभी इलाकों में बुखार के मरीज पाए जा रहे हैं। इस पर निमंत्रण करने के लिए मानापा के हेल्थ डिपार्टमेंट और महासभा में भी कई बार नगर सेवकों ने शिकायत की,
इसके साथ ही सभी इलाकों में ऑडिटिंग और फॉगिंग करने के लिए मांग भी लगातार हो रही है, लेकिन इन मांगों को मानापा का प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। बिजली चोरी पर कसेगा शिकंजा। औरंगाबाद ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बिजली कंपनियों के काम में गति लाने के लिए रीजनल कार्यालय शुरू करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के चलते राज्य के बिजली चोरी पर लगाम लगाकर बकाया वसूली का ग्राफ भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, ये दावा राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर ने किया। मंत्री ने बताया कि रीजनल कार्यालय शुरू करने से पहले राज्य ऊर्जा मंत्रालय ने अनूप कुमार समिति का गठन किया था। समिति औरंगाबाद, अमरावती तथा नागपुर विभाग आयुक्त को शामिल कर यूपी बिहार राज्यों का दौरा करेंगे। मालेगांव की गिरना नदी में तीसरी मर्तबा छोड़ा गया पानी, प्रशासन ने दी चेतावनी। कई साल पहले हमारे शहर की दोनों नदियां हमेशा बहा करती थी, लेकिन अब सूखी पड़ी रहती है। इस साल अच्छी बारिश होने की वजह से गिरना नदी में तीन मर्तबा पानी छोड़ा गया। पानी बहने से नदी साफ भी हो गई और शेतकड़ी को भी मिलेगी राहत, मगर मौसम नदी में गंदगी बरकरार। प्रशासन ने नदी के तट पर जाने और नदी में नहाने से मना किया ताकि कोई हादसा न। मालेगांव शिवसेना के शाखा प्रमुख साजिद अंसारी ने कहा कि हम आवारा कुत्तों को पकड़कर कारपोरेशन में छोड़ देंगे। मालेगांव कारपोरेशन की हद में तमाम ही मोहल्लों में आवारा कुत्तों की भरमार हो चुकी है। जगह जगह कुत्तों का झुंड खड़ा रहता है, जिसकी वजह से खासतौर से सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे दहशत का शिकार है। पिछले दिनों पवारवाड़ी इलाके में 3 साल बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह काटा, जो आज भी नासिक के अस्पताल में दाखिल है। खासतौर से गरीब बस्तियों में ये कुत्ते पालतू जानवरों को अपना निशाना बनाते हैं। रात के वक्त आने जाने वाले लोगों पर ये कुत्ते हमला करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो चुके हैं। कारपोरेशन जल्द अज जल्द इन आवारा कुत्तों से आवाम को निजात दिलाए, ऐसा मुतालबा शिवसेना के शाखा प्रमुख साजिद अंसारी ने किया। मालेगांव बिजली की तकलीफों को देखते हुए पावर लूम संघर्ष समिति ने दिया मेमोरेंडम। मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले उद्योग पावर लूम पर जबरदस्त मंदी छाई हुई है। महावितरण बिजली कंपनी बिजली सप्लाई में टाल मटोल कर रही है। शहर मालेगांव में तकरीबन 25 से 30 डीपी खराब हो चुकी है या बार बार ट्रिप हो जाती है, जिसकी वजह से सनतकारों के साथ शहरियान मालेगांव जहनी तकालीफ का शिकार है। इस तरह की आम शिकायत को लेकर तालुका मालेगांव पावरलूम संघर्ष समिति वफद ने बिजली अफसरान से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया। तालुका पावरलूम संघर्ष समिति के सदर हाजी यूसुफ इलियास के साथ दीगर लोग भी शामिल थे। मालेगांव बिजली बोर्ड के यकीन दिलाने के बाद असलम अंसारी ने अपनी तहरीक डाल दी। मालेगांव शहर के रौनकाबाद, शब्बीर नगर, हकीम नगर, दातार नगर, चंदनपुरी, इन इलाकों में बार बार बिजली की आंख मिचौली से पूरे इलाके के अफराद परेशान हैं। आवाम ने कारपोरेटर असलम अंसारी से मुलाकात की और मुतालबा किया कि पानी के वक्त बिजली गायब रहती है, पानी नहीं मिलता, 1-2 दिन नागे से मिलता है, ऐसे में पावर सप्लाई नहीं होती है। इन तमाम बातों को लेकर असलम अंसारी ने बिजली बोर्ड कमेटी के खिलाफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जवाब मांगा। बिजली बोर्ड ने लेटर देकर असलम अंसारी से गुजारिश की है कि हम ये तमाम कामों का 10 से 15 दिनों के अंदर मुकम्मल कर देंगे, इसलिए असलम अंसारी ने अपना धरना और तहरीक कुछ दिनों के लिए टाल दिया। मालेगांव में कितना जरूरी है सर्विस रोड। महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में नेशनल हाईवे नंबर 3 दिन ब दिन बनता जा रहा है घातक। नेशनल हाईवे नंबर 3 ये मालेगांव का वो बाईपास हाईवे है जो 1972 में बना। अब ये रोड शहर के बिल्कुल करीब होता जा रहा है, या यूं कहिए कि शहर इसे पार करते हुए आगे करीबन आधा किलोमीटर तक आगे बढ़ चुका है। इस हाईवे को मकामी लोग आवाजावी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाईवे से बिल्कुल करीब आबादी होने की वजह से लोग अपनी गाड़ियों से अपने कारोबार की जगह या कारखाना जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने एक कॉलोनी बनाई, वो भी हाईवे के इस पार है। कल जब कॉलोनी
कॉलोनी आबाद होगी तब और भी मुश्किलें पड़ सकती है, इसलिए अब यहाँ सर्विस रोड बनना आवाम को बहुत जरूरी है। कई मर्तबा रोड क्रॉस करने की वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट भी हो गए। ये वो लोग होते हैं जो अपने कारोबार या अपने घर को तो जाते हैं, अगर सर्विस रोड बन जाता है तो कई कई लोग सुरक्षित रह सकते हैं। मालेगांव बस स्टैंड पर लगभग 40 सालों बाद हुई रिपेयरिंग के कामों की शुरुआत। मैं यहां पर मौजूद हूं बस एयरपोर्ट मैनेजर के ऑफिस में। जैसा कि मैनेजर साहब हमारे बाजू में बैठे हुए, हम सीधा उनसे बात करते हैं कि सर जो अभी काम वहां पर शुरू है वो आप उसकी लोगों के क्लेम है, लोगों की शिकायत है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आप क्या काम करने वाले, आगे क्या शुरू है? अभी दूसरा बस स्टैंड है वहाँ डामरीकरण अभी अच्छा है, तो वो छोड़ के जो अपने प्लेटफॉर्म्स है और प्लेटफॉर्म का जो अपना स्टैंड के ऊपर ये पतरे पुराने वो बदल के अपना अभी एजमोस्टॉस के पतरे उधर लगा रहे, टोटल अपन यूनिवर्सल बस स्टैंड का वो कर रहे हैं, तो उसमें टाइल्स चेंज हो जाएंगी, जो पुरानी खिड़कियाँ हैं वो भी बदल जाएंगी और जो आगे का गेट है तो वो भी अपन अच्छा करें, और आगे भविष्य में भी कंपाउंड का जो प्रपोजल है, अभी जो कंपाउंड अपना नाली के बाजू में का जो कंपाउंड गिर गया है उसका भी प्रपोजल डिवीजन लेवल पे मंजूरी के लिए भेज गया है, वो भी हो जाएगा काम। और उसके अलावा जो सुविधा अभी वो सुगर शौचालय का एक दो बार टेंडर निकला था, वो टेंडर कोई अभी तक भरा नहीं, लेकिन अभी अब कॉरपोरेशन खुद उसकी दुरुस्ती का प्रपोजल किया है, और या तो दुरुस्ती या टेंडर, इसमें से काम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की अपनी कोशिश करेंगे। फिलहाल रिनोवेशन का काम अभी जारी। मालेगांव MRF के होने वाले जुलूस में 1,00,000 लोगों के आने की उम्मीद, शहर के हर अखबार में लगी सुर्खी। मालेगांव शहर में चल रही MRF की तहरीक को लेकर सभी लोग उत्साहित हैं। हुकूमत से अपना हक मांगने के लिए अपने अपने तौर से इत्तेहाद बता रहे हैं। इसी के चलते शहर के न्यूज़पेपर में एक जैसी खबर देखने में आई। मालेगांव मध्य क्षेत्र के आमदार आसिफ शेख को हाईकमान से आया बुलावा, जाएंगे दिल्ली। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी हाईकमान की जानिब से पीर को MLA आसिफ शेख को एक दावतनामा ईमेल के जरिए मिला। शनिचर की सुबह दिल्ली में पार्टी हाईकमान की मीटिंग में शिरकत की गुजारिश की गई। खबर के मुताबिक इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर मशवरा किया जाएगा और जिम्मेदारियां भी तकसीम की जाएगी। इस मीटिंग में शिरकत के लिए 7 अक्टूबर बरोज जुमा को रात आसिफ शेख दिल्ली रवाना होंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद है MRF स्पेशल। Zippo and Photo Arts, बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी की फोटो के लिए एक ही नाम, जीशान फोटो एंड आर्ट्स। हमारे यहाँ मॉडल फोटोग्राफी के अलावा इंडोर और आउटडोर फोटोग्राफी के साथ साथ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में वीडियो शूटिंग की जाती है। हमारा पता याद रखे, डेपो मेन रोड, शबीर नगर, मालेगांव। प्रोप्राइटर शेख इस्माइल। हमारा मोबाइल नंबर याद रखें, 9595251042। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका जिंदा जवाब न्यूज। टीपू सुल्तान के वारिस शहजादा सैयद मंसूर अली आएंगे मालेगांव। मालेगांव 7 अक्टूबर को निकलने वाले मुस्लिम रिजर्वेशन जुलूस में बहसियत मेहमान खुसूसी शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद के पड़ पोते साहबजादा सैयद मंसूर अली टीपू ने शिरकत की मंजूरी दे दी है। तहरीक के कन्वीनर जनाब आसिफ शेख ने गुज़िश्ता रोज शहजादा मंसूर अली से फोन पर बात करके मालेगांव मदो किया था और उन्होंने बतलाया कि जिस तरह मराठा समाज के रिजर्वेशन जुलूस की क्यादत शिवाजी महाराज के पड़ पोते उदयन राजे जी भोसले कर रहे हैं, उन्होंने नासिक और पुणे के मराठा जुलूस का अख्ताम पर खिताब भी किया। इसी तरह मालेगांव के मुसलमान चाहते हैं कि शहीद वतन टीपू सुल्तान के जानशीन की हैसियत से आप मालेगांव तशरीफ लाएं। इस दावतनामे को शहजादा मंसूर अली ने ना सिर्फ कबूल किया बल्कि अपनी ताईद व हिमायत की तहरीरी खबर भी ईमेल के जरिए भिजवाई। अखिल भारतीय मराठा छावा युवा मोर्चा ने किया
एमआरएफ की हिमायत का ऐलान। मारेगांव तालुका साइजिंग व जनरल कामगार यूनियन ने किया एमआरएफ का समर्थन। उर्दू मीडिया सेंटर में हुई एमआरएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तंजीमों ने किया पुरजोश तरीके से समर्थन का ऐलान। जुमा को निकलने वाले मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के जुलूस में जिला भर से 1,00,000 मुसलमानों की शिरकत यकीनी है। मीडिया सेंटर में उर्दू मराठी पत्रकार के रूबरू शहर की अहम संगठनाओं और शख्सियतों ने हिमायत का ऐलान किया। हुकूमत हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत ना करें। रुकन पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना उमरैन के मशवरे से यह भी मुतालबा शामिल किया गया। मालेगांव के गुरुवार वार्ड में एमआरएफ की हंगामी मीटिंग में हुए हजारों की तादाद में लोग शामिल। कई तंजीमों ने और कई अदारों और संस्थाओं ने किया हिमायत का ऐलान। 7 अक्टूबर को निकलने वाले मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के मोर्चे में 1,00,000 लोगों के आने की आशंका। सिर्फ हमारे आने वाले हज के लिए शुरू किए और अगर आज हम लोग बेदार नहीं हुए तो यकीन जानिए कि आने वाले हालात इस मुल्क के अंदर कैसे आएंगे, रियासत में कैसे आएंगे, आज कोई बोल नहीं सकता। रिजर्वेशन फेडरेशन के अहम मुतालबात है आला तालीम और सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को आबादी के हिसाब से माशी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाए। ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त और मुस्लिम तलबा को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए 100% स्कॉलरशिप दी जाए। महाराष्ट्र में 1,00,000 एकड़ से ज्याद जमीन मुस्लिम अवकाफ की है जिसमें 70% नाजायज कब्जा है। इन जमीन को अतिक्रमण से हटाकर वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए। सचर कमेटी, रंगनाथन मिश्रा कमेटी, महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्टों के मुताबिक मुल्क में मुसलमानों की हालात दलितों से बदतर है। लिहाजा हुकूमत जिस तरह दलित बस्ती सुधार स्कीम पर करोड़ों रुपए खर्चा करती है, इस तरह मुसलमानों पर भी बुनियादी सहूलत की के लिए मुस्लिम बस्ती सुधार स्कीम शुरू की जाए। डॉक्टर महमूद रहमान कमेटी की सिफारिश को कबूल किया जाए। ये अहम मुतालबात उस जुलूस के हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन को हिमायत देने वालों में बड़ी बड़ी शहर की बड़ी बड़ी दिग्गज शख्सियतों का नाम है जिसमें मौलाना अब्दुल बारी, कारी जमील रिजवी, सुन्नी दावत इस्लामी, मौलाना अब्दुल बारी कासमी, सदर जमीयतुल उलमा नाजिला नासिक, मौलाना फिरोज आजमी, जमात इस्लामी हिंद, हाफिज जमील मोहम्मदी, जमीयत अहले हदीस, मौलाना शफीक कासमी, जमीयतुल उलमा मालेगांव, एडवोकेट नियाज अहमद लोधी, सदर जमीयतुल उलमा इसाक सेठ जरीवाला, सदर अंजुमन मोइनुत्तुलबा अब्दुल रहीम सेठ चमड़े वाले, सेक्रेटरी स्विस हाई स्कूल जमील अहमद क्रांति, प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी के अलावा कई बड़ी बड़ी दिग्गज शख्सियतों ने इस तहरीक को हिमायत देने का ऐलान किया। चले चलो के वो मंजिल अभी नहीं आई।
नौजवान के लिए जो डिग्री हाथों में लिए कर कर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हमें मुत्तहिद होना होगा उस तालीम याफ्ता मेरी बहन के लिए जो तालीम हासिल करके भी घर का काम करने पर मजबूर है। हमें मुत्तहिद होना होगा। अगर हम आज मुत्तहिद नहीं हुए तो यकीनन हमसे कल सवाल किया जाएगा। मासूम बच्चे जब कल बड़े हो जाएंगे तो सवाल किया जाएगा कि जब मराठा अपना हक मांग रहे थे, जब अपना हक मांग रहे थे, जब जाट अपना हक मांग रहे थे, जब दलित अपना हक मांग रहे थे, तो आपने क्यों नहीं हमारा हक मांगा, क्यों महरूम रखा? काश आप अपना हक हमारा हक मांग लेते तो हम भी आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते। मुझे पता है आमीन और सबको पता है कि गरीब भाई अपने बच्चे को तालीम नहीं दिला सकता क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि आला तालीम दिला सके। अगर किसी भी तालीम तो नौकरी के लिए इतना पैसा नहीं हो सकता। यकीन जानिए अल्लाह पाक ने अपने मुत्तहिद होने को हमारे मुत्तहिद होने को कबूल कर लिया और हमें रिजर्वेशन मिल गया। तो इंशाल्लाह जैसा कि दयाल साहब ने कहा आज हमारी कौम का बेटा अब्दुल हक भी हो सकता है, हमारी कौम की बेटी रजिया सुल्ताना भी हो सकती है, हमारी कौम की बेटी कोई बड़ी पोस्ट पर भी हो सकती है, हमारी कौम का बेटा हाजी पंजाब सुल्तान भी बन सकता है, हमारी कौम का बेटा हमारे पूरे महाराष्ट्र की जिस तरीके से आसिफ शेख नुमाइंदगी कर सकते हैं वैसे आसिफ शेख भी बन सकते हैं। मगर इसके लिए हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। मैं मराठों के खिलाफ नहीं बोलता, मैं दलितों के खिलाफ नहीं हूं, मैं जाटों के खिलाफ नहीं हूं, बस मैं इतना ही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमें मुत्तहिद होना होगा आने वाली नस्लों के लिए, हमें मुत्तहिद होना होगा आने वाली कौम के लिए ताकि हम पर इल्जाम न लगे कि कल जब रिजर्वेशन अपना आईनी हक मिल रहा था तो आपने क्यों नहीं लिया। लहजे को बार बार बदलता रहूंगा मैं, लक्ष्यों के पुल सिराज पे चलता रहूंगा मैं, लहजे को बार बार बदलता रहूंगा मैं, लफ्जों के पुल सिराज पे चलता रहूंगा मैं। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमत में 5% मिलना चाहिए। दूसरा मुकाबला हम यही कर रहे हैं कि आला तालीम के अंदर जो हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि मुसलमानों को लेकिन सरकार ने यह समझ लिया, सरकार ने यह बोल लिया, मगर समाज को भी धोखा दिया, मुसलमानों को भी धोखा दिया और 6 महीने का कानून है कि अगर कोई जान निकल जाएगा तो मनी के अंदर नहीं करना होगा। लेकिन सरकार ने आज तोड़ दिया, लेकिन आज वक्त आ गया सरकार का दबाव बनाने का, आज वक्त आ गया बनाने समाज के साथ जुड़कर हम लोगों को कहीं चलाने का और सरकार पर प्रेशर लाने का वक्त आ गया है क्योंकि सरकार के अंदर हर पार्टी के अंदर देखिए जनता जवाब न्यूज डेन सेट ऑफ बॉक्स के चैनल नंबर 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। देखते रहिए जनता जवाब न्यूज, देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।